नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में वीडियोस बनाता हूं और इस चैनल पे दी गई जानकारी डायरेक्टली रेफरेंस्ड होती है US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से और बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी हम आपको देते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे हेयर लॉस के बारे में। आपको कैसे पता चलेगा लॉस हो रहा है या ग्रो नहीं हो रहे, और ट्रीटमेंट क्या है, और आखिर में मैं आपको टिप्स दूंगा। ट्रीटमेंट डिटेल में बताएंगे कि एक ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स एट्स ऑल, और आखिर में मैं आपको टिप्स दूंगा कुछ हेयर केयर के। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है 50 से लेके 100 बाल रोज गिर सकते हैं। तो हेयर लॉस कब होगा, कैसे मानेंगे? अगर आपको कोई बॉल्ड पैच दिख रहा है कि कहीं पर हेयर है ही नहीं, कोई पैच है जहां एज कंपेयर टू दूसरे जगह से कंपैरिजन में कम हेयर है तो, या नहीं हेयर है तो वो हेयर लॉस हो गया, मेजर हेयर लॉस हो गया वो तो। और अर्लियर साइन होता है थिनिंग, हेयर आपके पतले पतले महसूस हो रहे हैं कुछ एरिया के या सारी जगह के। सो हेयर थिनिंग इज बेसिकली अर्ली साइन कि आपको हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है। और हेयर लॉस होने के बहुत सारे कारण हैं, तो आपके केस में हो सकता है इसमें से एक कारण हो या हो सकता है इसमें से मल्टीपल कारण इन्वॉल्व हो जो कि एक साथ मिलके आपके हेयर्स को डैमेज कर रहे हैं। सो इसीलिए जब कारण इतने सारे हैं तो एक डॉक्टर को भी फिर डिटेक्टिव बनना पड़ता है। डिटेक्टिव बन के फिर एक एक क्लू ढूंढना होता है कि क्या कारण हो सकता है, क्योंकि अगर चार कारण है एक ठीक कर दिया तो भी हेयर फॉल होता रहेगा, तो भी हेयर लॉस होता रहेगा। तो मैक्सिमम कारण ढूंढने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो एक डॉक्टर, एक डर्मेटोलॉजिस्ट को आपसे बहुत सारे सवाल पूछने पड़ेंगे, आपके खाने पीने से लेके बाल कितने गिर रहे हैं, केयर कैसे ले रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, एक मर्डर मिस्ट्री के जैसे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, यहाँ तक कि आपके पीरियड्स, प्रेगनेंसी, आपका मेनोपॉज। एक डिटेक्टिव की तरह एक डॉक्टर को एक एक क्लू ढूंढना होता है, स्किन सैंपल से लेके हेयर सैंपल तक, ब्लड सैंपल तक लेना पड़ सकता है केस सॉल्व करने के लिए। और एक छोटा छोटा क्लू एक एक करके केस के जो भी क्लूज आते हैं वो कारणों को हम रूल आउट करते जाते हैं और उसे सॉल्व करते जाते हैं, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसीलिए मल्टीपल टाइम्स आपको डॉक्टर के पास आना पड़ सकता है। ये काम जो है ये डर्मेटोलॉजिस्ट का, एक स्पेशलिस्ट का है जो कि ढूंढ सकता है, राइट? आप ये काम स्किन स्पा वाला नहीं कर सकते, तो ये काम कोई स्पा वाला, कोई सलून वाला नहीं कर सकता। हेयर स्पा लेने से हेयर ठीक नहीं हो जाते हैं, अच्छे दिखने लग जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, थोड़े बहुत थिक दिखने भी लग जाते हैं, उसके ऊपर कवरिंग आ सकती है, बट इंटरनली वो स्ट्रांग नहीं होंगे, इंटरनली स्ट्रांग नहीं आएंगे, क्योंकि प्रोटीन लगा लेने से हेयर में प्रोटीन बनने थोड़ी शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि वो थोड़ा सा कम टूटे, पॉसिबल है, लेकिन वो अल्टीमेटली बनता तो उसी प्रोटीन से जो आप खा रहे हो। 1% अगर ये काम करता है तो ये 90% करेगा। सो दैट्स वाई ट्रीटमेंट पे, इस पे ध्यान दो, बेसिक्स पे ध्यान दो, ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास फिर उसके ट्रीटमेंट होते हैं। कई दफ़ा सिर्फ समय दीजिए तो भी ठीक हो जाता है, कई दफ़ा ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती, और कई दफ़ा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और ये भी समझ के रहिए, अगर कोई हेरिडिटरी हेयर लॉस है तो कई दफ़ा कुछ भी ट्रीटमेंट करिए हेयर वापस नहीं आते। सो ट्रीटमेंट क्या है? तो दोस्तों, दो प्रकार के ट्रीटमेंट है, एक तो दवाइयों से होता है, एक सर्जिकल, एक प्रोसीजर होता है। दवाइयाँ जो हैं उसमें दो प्रकार हैं, एक तो नॉन प्रिस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती है, एक प्रिस्क्रिप्शन वाली है। नॉन प्रिस्क्रिप्शन में जो है मिनोक्सिडिल, मिनोक्सिडिल ये वो मेडिसिन है जो बहुत लोगों ने सुना होगा, यूज़ भी की होगी। ये क्या करता है, ये आपके सीधा बालों के नीचे स्काल्प पे लगाया जाता है और ये स्काल्प के ऊपर जाके वहाँ का ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है। ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है तो आपके हेयर गिरने बंद हो जाते हैं, हेयर बनने शुरू हो जाते हैं, स्काल्प स्टिमुलेट होता है, बेसिकली स्टिमुलेशन ब्लड सप्लाई,
और कोई काम नहीं है इसका। ये क्या करेगा, हेयर को रीग्रो होने के लिए हेल्प करेगा। और ये एक ही प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में जो FDA के द्वारा अप्रूव्ड है हेयर रीग्रो करने के लिए, रीग्रो करने के लिए। कोई और क्रीम, आयुर्वेदिक ये वो क्रीम FDA की तरफ से अप्रूव नहीं है, FDA के अंडर नहीं आती। हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट, हाँ ये ट्रीटमेंट मिनोक्सिडल और भी दूसरे ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि मिनोक्सिडिल बंद करते हैं तो बाल झड़ी जाएंगे। हाँ ऐसा है कि मिनोक्सिडिल बंद करते हैं तो उतने तेजी से ग्रो नहीं होते हैं, और अगर आपका हेरिडेटरी हेयर लॉस है तो हेरिडेटरी हेयर लॉस फिर हो जाएगा, क्योंकि जेनेटिक ही वैसे है कि वहां के हेयर लॉस होने हैं, तो हेरिडेटरी हेयर लॉस तो फिर होगा होगा। सो लेजर डिवाइसेस, दूसरा ट्रीटमेंट जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो है लेजर डिवाइसेस। कुछ अब ब्रशेस, कुछ ऐसी कोम्स, कुछ ऐसे हैंड हेल्ड डिवाइसेस आने लग गए हैं जिससे कि छोटे छोटे लेजर लाइट एमिट होते हैं जो कि आपके स्काल्प को स्टिमुलेट करते हैं। स्काल्प को स्टिमुलेट करते हैं तो हेयर ग्रो हो जाता है, कई लोगों में देखा गया है, कई में धीरे धीरे होता है, कई में यह होता है, और बाल भी थोड़े यूथफुल दिखने लग जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को मेडिकल डिवाइसेस बोला जाता है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स का लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसा होगा, सेफ्टी कैसी होगी लंबे समय में, इसका कोई भी रिसर्च अभी कोई आइडिया नहीं है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट ज़रूर देखा गया है। फिर दूसरे प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दोस्तों दो प्रकार के हैं। सो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दो प्रकार के हैं, एक फिनास्टेराइड, ये FDA से अप्रूव्ड मेडिसिन है जो हेयर लॉस के लिए आदमियों में ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। आदमियों में ये ट्रीटमेंट ऐसे कि हेयर लॉस को स्लो कर देती है, और 88% लोगों में हेयर लॉस स्लो कर देती है, 66% लोगों में हेयर ग्रो स्टिमुलेट कर देती है, हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट कर देती है। ये लेकिन एक्चुअली कैसे काम करते हैं, ये बेसिकली आपके बॉडी में एक हॉर्मोन है DHT, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टिरोन, ये इसका स्टिमुलेशन, ये इसका बनना आपके शरीर में बंद कर देता है। तो आपके शरीर में जब डाईहाइड्रो टेस्टोस्टिरोन नहीं बनता है तो उस मेल हार्मोन की कमी की वजह से आपके हेयर ग्रोथ होते हैं सारे शरीर में, तो सारे शरीर में होते हैं इसलिए वुमेन्स में नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि वुमेन्स डोंट वांट हेयर सारे शरीर में, राइट? सो दैट्स वाई। दूसरा है कॉर्टिकोस्टीरोइड, कॉर्टिकोस्टीरोइड ये बेसिकली इन्फ्लामेशन कम करने की दवाएं हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट कई दफ़ा आपके अगर स्काल्प में पैच है, हम लग रहा है कि वो स्कारिंग के वजह से हो रहा है, इन्फ्लामेशन है, वहाँ बीमारी है, तो वहाँ इंजेक्शन भी दे सकते हैं उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन रोकने के लिए। और इससे फिर वो कई दफ़ा एलोपेशिया एरिएटा में भी फ़ायदा आता है, एलोपेशिया एरिएटा में भी देखा गया है कि इससे फ़ायदा मिलता है। कॉर्टिकोस्टीरोइड एनाबोलिक स्टीरॉयड नहीं है, एनाबोलिक स्टीरॉयड कॉर्टिकोस्टीरोइड पर हमारा वीडियो जल्दी आने वाला है जिसमें हम इन दोनों का डिफरेंस भी, साइड इफेक्ट भी सब कुछ समझाएंगे। फिर बात करते हैं प्रोसीजर्स की दोस्तों, अगर इन सब चीज़ों से और टाइम के साथ फिर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा तो आप प्रोसीजर्स को, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा तो आप प्रोसीजर्स पे जा सकते हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, स्काल्प रिडक्शन, स्काल्प एक्सपांशन, स्काल्प फ्लैप्स। हेयर ट्रांसप्लांट में बेसिकली आपके जो स्किन है जहाँ पर स्काल्प है, उस स्काल्प जहाँ पे अच्छा हेयर ग्रोथ है उस स्किन को रिमूव करके जो दूसरा जगह जहाँ पर हेयर ग्रोथ चाहिए वहाँ पे लगा दिया जाता है, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। बेसिकली आजकल जो दूसरा भी एक हेयर ट्रांसप्लांट जिसमें एक एक हेयर लगाया जाता है वो भी हेयर ट्रांसप्लांट है। और दूसरा है स्काल्प रिडक्शन, स्काल्प रिडक्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके स्काल्प, आपके कुछ एक छोटा पैच है जहाँ पे बाल नहीं है, उसके आसपास पे अच्छे बाल हैं, तो इस आसपास वाले एरिया को खींच के पास ला लिया जाता है और उतना बीच का एरिया काट के निकाल दिया जाता है ताकि वो एरिया भर जाए, इसे स्काल्प रिडक्शन कहते हैं। ये भी एक अकेले, ये स्काल्प रिडक्शन अकेले भी किया जा सकता है, या फिर ये अगर बहुत बड़ा एरिया है तो थोड़े में रिडक्शन कर दिया, थोड़े में ट्रांसप्लांट कर दिया, ऐसा भी किया जा सकता है। स्काल्प एक्सपांशन भी किया जाता है, मान लीजिए कोई एक एरिया है जहाँ पर हेयर अच्छा है, ज़्यादा है, और दूसरा साइड का एरिया जहाँ कम है, तो वो स्काल्प को खींच के वहाँ पे एक्सपैंड कर दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा एरिया कवर कर ले। स्काल्प एक्सपांशन को भी एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर माना जाता है, वो भी किया जाता है। और
स्काल्प फ्लैप इसे कहते हैं, अगर पूरा का पूरा स्काल्प, सिर्फ स्किन नहीं, स्काल्प का पूरा स्काल्प फ्लैप, जिसमें के जिसमें हेयर्स हैं अच्छे खासे, उसको निकाल के दूसरी जगह जहाँ हेयर नहीं है वहाँ पे लगाया जा सकता है। सो ये डिसाइड आपके डर्मेटोलॉजिस्ट करेंगे, डर्मेटोलॉजिकल सर्जन्स करेंगे कि आपके केस में अगर इनकी ज़रूरत भी है या नहीं है, तो कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। और वो लोग जो डायरेक्टली बिना सोचे समझे आपको कहेंगे ट्रांसप्लांट करा लो, ये करा लो, बस वही ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं है। देखिए जैसा मैंने बताया, इतने सारे कारण हैं, कारण देखिए, और अगर कोई डिटेक्टिव की तरह ढूंढे तो वो अच्छा डॉक्टर है, राइट? दैट्स इंपॉर्टेंट। और बहुत ज़रूरी है आपका ये समझना कि आउटकम कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा कारण क्या है। जो कारण अगर आपका अपने आप ठीक करने वाला होगा तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। एक बार अगर आपके डॉक्टर को ये पता चले या आपको ये पता चले कि क्या है जिसके वजह से, क्या क्या कारण है जिसके वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, तो ही फिर वो बेसिकली ठीक हो पाता है। और इसके लिए कई कारण और ठीक करने के लिए कई दफ़ा किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल डाइट की ज़रूरत होती है। थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा खाइए, थोड़ा आयरन ज़्यादा खाइए, थोड़ा केयर सही से लीजिए, डैमेज मत कीजिए, और हो गया। कई दफ़ा दवाइयाँ लेनी पड़ती है, कई दफ़ा प्रोसीजर करना पड़ता है, डिसाइड आपको आपके डॉक्टर के साथ मिल के करना है, किसी यूट्यूब चैनल को देख के नहीं, किसी प्रोडक्ट के एड को देख के नहीं, किसी सलून वाले से बात करके नहीं। क्योंकि देखिए ये आपके बाल हैं, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, इसमें तो कोई रोक नहीं सकता। बाकी सच्चाई मैंने आपको बता दी है, ठीक है? अपने बालों का ख्याल रखिए। जो हेयर टिप्स मैं आपको दूंगा, हेयर केयर बहुत अच्छे से करिए, बालों को नुकसान मत पहुंचाइए, बालों को पहले सूखने दीजिए, बालों को कंघी करने से पहले या स्टाइल करने से पहले एयर ड्राई करिए, टॉवल से रगड़िए मत। और दवाइयाँ जो आप ले रहे हैं किसी और बीमारी की वजह से, अगर आप ले रहे हैं बीपी शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, और आपको लग रहा है कि इससे हेयर फॉल तो नहीं हो रहा, तो दवाई बंद मत करिए, डॉक्टर से बात करिए कि क्या इससे हो रहा है। अगर डॉक्टर को लगता है तो वो बदल देंगे दवा, दैट्स पॉसिबल। दवाई बंद करने से और ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। और ये भी रियलाइज़ करना ज़रूरी है, कई प्रकार के हेयर लॉस टेम्प्ररी होते हैं, आपको दिक्कत वापस नहीं आएगी अगर वो टेम्प्ररी है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, थोड़ा वक्त दीजिए, बस हेयर केयर कीजिए। हेयर केयर पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, आइडियल हेयर केयर, जैसे कि स्किन केयर पे वीडियोस आने वाले हैं, वैसे हेयर केयर पे आने वाले हैं, उन्हें ज़रूर देखिए। सो ये सारी बात हुई दोस्तों हेयर लॉस के बारे में, आई होप आपको समझ में आई होगी। लास्ट में, आई एम नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं हेयर पे ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ। सो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन डॉक्टर के पास जाना होगा। आई एम कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेहरू नगर, दिल्ली NCR, और ये मेरा चैनल है। इसमें सिंपल भाषा में मेडिकल गाइडलाइंस आपको समझाता हूँ, ये बातें आप आगे शेयर करिए, लोगों को बताइए, और लोगों की मेडिकल नॉलेज बढ़ाइए, दैट्स योर जॉब। सो टिल नेक्स्ट टाइम, कल फिर मिलते हैं, देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।